नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी मित्रा। बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर बीते कई दिनों से ट्रोलर्स के निशाने पर आए हुए हैं। वजह है प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा। दरअसल बीते कुछ दिनों में करण जौहर पर स्टार्स का करियर बर्बाद करने के आरोप लग रहे हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा किया था कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ पॉलिटिक्स की जा रही थी, उन्हें कॉर्नर किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड चली गई। प्रियंका ने अपने खुलासे पर करण जौहर का कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन कंगना रनौत ने इसी बीच दावा कर दिया कि करण जौहर ने ही प्रियंका चोपड़ा को बैन किया था। कंगना ने जमकर करण जौहर पर निशाना साधा था और उन्हें मूवी माफिया तक बता दिया। इसके अलावा करण जौहर का सालों पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते दिख रहे हैं कि वो अनुष्का का करियर बर्बाद कर देते। करण जौहर को अपने इस बयान की वजह से भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कंगना रनौत और फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री लगातार करण जौहर पर निशाना साध रहे हैं। अब अपने ऊपर लगने वाले आरोपों पर पहली बार करण जौहर ने चुप्पी तोड़ी और आरोपों का जवाब दिया। करण ने इंस्टाग्राम पर इशारों इशारों में लिखा कि उन पर चाहे जितने इल्जाम लगा लिए, वो हार मानने वालों में से नहीं। करण जौहर ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि वो कंगना रनौत समेत उन सभी लोगों पर भड़के हैं जो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। करण जौहर ने अपने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, लगा लो इल्जाम, हम झुकने वालों में से नहीं। झूठ का बन जाओ गुलाम, हम बोलने वालों में से नहीं। जितना नीचा दिखाओगे, जितना आरोप लगाओगे, हम गिरने वालों में से नहीं। हमारा कर्म हमारी विजय है, आप उठा लो तलवार, हम मरने वालों में से नहीं। करण जौहर ने बिना नाम लिए कंगना रनौत और विवेक अग्निहोत्री पर तंज कस दिया। बता दें कि करण जौहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अनुष्का शर्मा को कास्ट ना करने के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने आदित्य चोपड़ा को अनुष्का शर्मा को साइन करने पर कहा था कि उन्हें रब ने बना दी जोड़ी में ना ले। करण जौहर ने कहा था, मैं एक वक्त अनुष्का शर्मा के करियर को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। जब आदित्य चोपड़ा ने मुझे उनकी फोटो दिखाई तो मैं ऐसा हो गया था कि नहीं नहीं, पागल है क्या तुम इसे साइन कर रहे, तुम पागल हो, तुम्हें इस फिल्म में अनुष्का शर्मा को साइन करने की कोई जरूरत नहीं। करण बताते हैं कि वो चाहते थे कि आदित्य उस समय एक दूसरी एक्ट्रेस को साइन करे। करण जौहर ने कहा था, लेकिन जब मैंने बैंड बाजा बारात देखी तो मैंने अनुष्का को फोन किया और मुझे लगा कि मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए और उनकी तारीफ करनी चाहिए। माफी इसलिए कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि अगर आदित्य ने मेरी बात मान ली होती तो मैं वाकई में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के करियर ग्राफ को बर्बाद कर देता। करण के इस बयान पर भी कंगना ने चुटकी ली थी। कंगना रनौत ने करण जौहर और अनुष्का शर्मा के इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, इस चाचा चौधरी को बस यही एक काम है। बता दें कि कंगना कई मौकों पर करण जौहर को लताड़ लगा चुकी है, उन्हें मूवी माफिया बताने के साथ साथ उन पर आरोप तक लगा चुकी है। ऐसे में अब करण जौहर ने खुद पर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ सभी को हैरान कर दिया। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि करण जौहर के इस पलटवार पर कंगना किस तरह से रिएक्ट करती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।